तो हाय दोस्तों, मेरा नाम देवटन अग्रवाल है और आज मैं आपको एक हाफ स्वेटिंग मोबाइल कैसे बना सकते हैं एक आपको बता रहा हूँ मेथड, क्योंकि ये मेरे पास एक मोबाइल रखा हुआ है और इसको मुझे बनाना है। तो इसकी मैंने फॉल फाइटिंग मैंने निकाल ली है, तो पर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या आ रहा है, इसमें किस तरह से इसमें रीडिंग आ रही है या कितना एमपीड ये ले रहा है, और हम इसको देखेंगे और हम किस मेथड से हम इसको बना सकते हैं। सो आज मैं दो मेथड यूज़ करूँगा, एक रोजिंग मेथड यूज़ करूँगा और एक थिनर मेथड यूज़ करूँगा, और दोनों मेथड से नहीं बना तो फिर मैं तीसरी मेथड जो अपनी क्लास में बताता हूँ वो भी मैं यूज़ करूँगा इसमें। तो देखिएगा, अगर बन जाता है तो इज़ गुड दोनों मेथड से, नहीं तो फिर हम तीसरी मेथड भी यूज़ करेंगे। हाफ शॉटिंग ढूंढने का एक बहुत अच्छा एक SMD से हम हाफ शॉटिंग ढूंढ सकते हैं, बट उसके भी अलावा एक रीडिंग के हिसाब से हम हाफ शॉटिंग को जज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पहले मोबाइल की कंडीशन दिखाता हूं। एक MI का ये मोबाइल है, देखिए यहां पे मैंने मोबाइल यहां पर इस तरह से लगाया हुआ है और यहां पे मैंने इसका प्लस लगाया हुआ है। पहले मैं आपको DC मशीन के दिखा देता हूं। ये मेरी DC मशीन 4 वोल्ट पर, और मैंने ये मेरा जो है ये 5 एम्पीयर पे, ये देखिए 5 एम्पीयर पे ये सेट है, तो हम इसको देखेंगे। तो मैंने यहां पर प्लस लगाया हुआ है, मुझे सिर्फ माइनस को टच करना है। तो अब देखिएगा ये कितना करंट ले रहा है, जैसे मैं इसको टच कर रहा हूँ ये देखिए अपने आप 8.18 तक ये जा रहा है। ये देखिएगा जैसे मैं इसको छूटा हूँ वैसे यहाँ पे करंट ले रहा है, और जैसे हटा दिया ये देखिएगा ये हटा दिया और यहाँ पे आप देखिए 0 है, और जैसे ही फिर मैंने इसको टच किया यहाँ पर ये 0.18-17 तक जा रहा है। चलिए अब हम इसको DC मशीन में चेक करते हैं, और अब हम इसको चेक करते हैं अपने मल्टीमीटर में। और DC में हमने चेक कर लिया है, यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं मल्टीमीटर यहाँ मेरा शो हो रहा है, ठीक है, और मैंने उसको ओम्स मोड पे इसको मैंने लगा के रखा हुआ है। तो मैं आपको इसको चेक करके बताता हूँ। तो पहले तो मैं इसका जो एक्चुअल BBAT का रीडिंग है वो आपको दिखाता हूँ। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि जो BBAT की रीडिंग है वो 3 से 6 प्रॉपर आ रही है, और जो कि स्टेबल भी है। अब मैं इसको रिवर्स मोड में करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पर मैंने ब्लैक को मैंने ग्राउंड पे रखा हुआ है, रेड को मैं अपने पॉजिटिव सिरे से टच कर रहा हूँ, और जैसे मैं इसको उल्टा कर रहा हूँ देखिए यहाँ पर 292 आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं इस तरीके से इसको टच कर रहा था, देखिएगा आप ये यहाँ पर मैंने टच किया, क्योंकि एक ही हाथ से कैमरा पकड़ा हूँ दोस्तों, इससे थोड़ी सी दिक्कत है और कुछ नहीं है। देखिए ये यहाँ पर आ गया है, ये देखिए ये मैंने इसको टच किया और आप रीडिंग देख रहे होंगे कि ये यहाँ पर देखिए ओके। और मैं रीडिंग दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर जो रीडिंग आ रही होगी ये देखिए यहाँ पर जो रीडिंग आ रही है वो 293, मतलब दोनों रिवर्स में रीडिंग आ रही है। सो ये फुल शॉट नहीं है। इससे पहले मैंने एक सैमसंग का मोबाइल मैं आपको दिखाया था, वो एक फुल शॉट था, उसमें जो मेन अपना BBAT लाइन होता है वो पूरा फुल शॉट था। अभी यहाँ पर BBAT फुल शॉट नहीं है, तो उसको किस तरीके से बनाएंगे तो ये देखिएगा। तो दोस्तों जैसे कि आप ऊपर स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ मैंने एक कैमरा सेट करके रखा हुआ है स्क्रीन पर, और ये मेरी PCB है। तो उस पर भी सेम हम वही टेक्निक पहले थिनर का यूज़ करते हैं, और अगर सक्सेस हो जाता है तो इसमें मैं दिखाता हूँ कि रोजिन टेक्निक भी यूज़ करते हैं तो क्या वाकई में वही रिजल्ट मिलता है क्या। और अगर दोनों चीज़ नहीं मिली है तो मैं आपको इसमें एक तीसरी टेक्निक आज बताऊँगा, और अगर मिल जाती है तो ठीक है, फिर नहीं तो आपको वेट करना होगा उसके लिए, नहीं तो आप क्लास ज्वाइन कीजिए, इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए। खैर ये PCB मैंने निकाल लिया है यहाँ पर। सबसे पहले आई स्कैनिंग मैंने हमेशा बोला है कि अपने आई स्कैनिंग करो, देखिए कि कहाँ पे कोई कंपोनेंट आपका लीकेज तो नहीं है। यहाँ पर जितना हो सकता है प्रॉपर आई स्कैनिंग हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ IC देखना है, ये हमें कैपेसिटर्स देखना है कि कहीं पे कालापन तो नहीं आपको दिखाई दे रहा है। सो जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हल्का सा ये कालापन है, ठीक, तो हम ये नोटिस करेंगे। तो यहाँ पर हम थिनर का अप्लाई करेंगे, यहाँ पर देखिएगा ये इसमें मैं इसको थोड़ा ICO से डिटेलिंग कर देता हूँ, क्योंकि ये वीडियो में यही खासियत है कि सिर्फ PCB की हाफ शॉटिंग नहीं, मैं आपको PCB के ICO का थोड़ा नॉलेज मैं आपको दे देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर ये जो IC लगी हुई है ये क्वालकॉम का पावर IC है, ये मेन पावर IC, इसमें एक ही पावर IC की यूज़ किया गया है 8916 PM 8916। ये इसका यहाँ पर सैमसंग का एक
EMMC लगा हुआ है दोस्तों यहाँ पर, और बेसिकली EMCP है, और क्योंकि इसमें रैम और आपका जो फ्लैश का जो पार्टीशंस होता है, जो फ्लैश के जो पोर्शन होता है वो भी है। सो रैम प्लस रोम दोनों हैं इसमें। सो रोम हो गया इंटरनल, और रैम हो गया आपका जो प्रोसेसिंग करता है सीपीयू के साथ में, इसलिए सीपीयू के या तो सीपीयू के ऊपर लगा दिया जाता है, या तो सीपीयू के साथ में ईएमएमसी के साथ में इसको कॉम्बो बना दिया जाता है। और यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा होगा, ये एमएसएम का सीपीयू है यहाँ पर। ये जो सेक्शन हो गया, ये पावर सेक्शन है। यहाँ पर आपको एक आईसी दिखाई दे रही होगी। सो ये TR करके जो ये आईसी है, एक कोड रजिस्टर के बगल में, तो ये एक चार्जिंग आईसी है। और यहाँ पर हम बात करेंगे, ये नेटवर्क सेक्शन है, ये PFO लगा हुआ है एक यहाँ पर, ये मेन। अगर हम RF सेक्शन की बात करें, सो यहाँ पर जो हमारा RF IC लगा हुआ है, देखिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि क्वालकॉम है, तो जो RF लगा होगा वो WTR लगा है यहाँ पर। अब जैसे कि मुझे इस आईसी के नीचे देख रहा है, तो मैं इसकी जो प्लेट है उसको कट करके देखता हूँ। नॉर्मल हमें हीटिंग देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। अक्सर जो टेक्नीशियंस हो रहे हैं वो हीट देकर अपनी PCB प्लेट को ख़राब कर देते हैं पूरी तरीके से। तो आप कटर का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं बड़ी आसानी से मैंने इसको काटा है। ये देखिए, जितना मुझे चाहिए था उतना मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैंने बिल्कुल प्लेट को हीट नहीं दिया। ये देखिए, बहुत बहुत आसानी से ये ऊपर की जो मेरी केन है, ये सील्ड है, ये निकल चुकी है। और ये WTR है, मतलब ये RF IC है, बेस बैंड है आपका, और ये PFO लगा हुआ है यहाँ पर, ये नेटवर्क सेक्शन है। और अगर हम यहाँ देखेंगे, ये 3.5 mm जैक कनेक्टर के कंपोनेंट है। यहाँ पर एक रिंगर IC, यहाँ पर एक फ्लैश LED IC, इसके अंदर Wi-Fi IC दी हुई है, और एक सेंसर IC लगी हुई है यहाँ पर। यहाँ पर लाइट ट्रैक्शन दिया हुआ है, सर्किट टू बनाता है जो, और ये आपका डिस्प्ले कनेक्टर है, ये सिम सेक्शन है, और इसके साथ एक ESD IC दी हुई है, रेगुलेटर IC है, एक LDO लगा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ जो इन्होंने पत्रा डाल के रखा हुआ है, ये आपके जो वाईफाई और WT के कुछ फिल्टर्स लगे हुए हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर देखें आप, जैसे कि देख रहे होंगे, यहाँ पर रेड पोजिशन आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसमें पानी गया हुआ है। हालांकि पहले भी किसी टेक्नीशियन से होकर आया होगा तो उन्होंने इसको वॉश किया होगा, वॉश के दौरान भी ये पानी लग जाता है। तो PCB देख कर यहाँ पर, जैसे कि अंदाज़ा देखिए, यहाँ पे कैपेसिटर पे एक जैसे पॉइंट देख रहे हैं दोस्तों। आप थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा, शॉर्टिंग के वीडियो बहुत सारे हैं। सो मेन कंसेप्ट शॉर्टिंग तो है, पर मेन कंसेप्ट आपको कुछ और ही बताना है। इसलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, ताकि ऐसे में आपको एक आने वाले पे, इसके जस्ट आगे आपको दो वीडियो देने वाला हूँ, जिसमें एक चार्जिंग का वीडियो और एक आपको देने डिस्प्ले का, एक सेक्शन का वीडियो, ट्रेसिंग का एक वीडियो मैं आपको दूंगा। तो ये कैपेसिटर हमारा फॉल्टी हो सकता है, पर खैर इसको हम चेक करेंगे। यहाँ पे एक एंटीना लगा, ये आपका मेन एंटीना है, ठीक है। तो चलिए इसको चेक करते हैं, ये इस एंड सब एंटीना के साथ जुड़ा होता है, और ये फिल्टर्स लगे हुए हैं यहाँ पर। ये एक अक्सर लोग इसको कपलर समझते हैं, पर ये फिल्टर्स हैं। तो चलिए हम इसको चेक करते हैं। यहाँ पर आपके स्विच लगे हुए हैं, ये सब स्विच है आपके, और ये स्विच के कंपोनेंट लगे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें थिनर का यूज़ करेंगे, और DC मशीन हम 5 एम्पीयर की यूज़ कर रहे हैं। तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ, 5 एम्पीयर की DC मशीन ही यूज़ करना है, 4 एम्पीयर का DC मशीन आपको नहीं लेना है। तो पहले मैं पावर सेक्शन में चेक करूँगा, आप जैसे कि देख रहे हैं मैंने यहाँ पर थिनर का अप्लाई किया हुआ है, और अब मैं यहाँ पर यूज करता हूं। तो यहां पर देखिए मैंने ये लगा के रखा हुआ है, ठीक है, और ये अब मेरा 18 जा रहा है। अब देखिएगा आप, तो यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है कि जिससे हमें लग रहा हो कि हमारा थिनर सूख रहा है, या इस तरह का हमारा थिनर हमारा, या हमें धुआं दिखाई दे रहा है, या थिनर हमारा ये लीक कर रहा है या पी रहा है, इस तरह से हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो मतलब यहाँ पर कोई फॉल्ट नहीं हमें दिख रहा है। हम रोजिंग लगा के भी एक बार चेक करेंगे, तो ये दोनों चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। अब
यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं मैंने नेटवर्क सेक्शन में लगाया हुआ है, तो यहाँ पर भी आप देख रहेंगे कि नेटवर्क सेक्शन में भी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि जिससे हमें लगे कि हमारा यहाँ पर टनल सूख रहा है। तो अभी हमारा नेटवर्क सेक्शन सही है और हमारा पावर सेक्शन सही है। ये कैमरा देखते रहना यहाँ पर कि ये वर्किंग कर रहा है कि नहीं, यहाँ पीछे बैठ जाओ। ये नेटवर्क सेक्शन अब हमारा सही है और यहाँ पे हमारा पावर सेक्शन सही है। और अब हम एक बार सीपीयू और ईएमसी के ऊपर देख लेते हैं। हालांकि बहुत कम सीपीयू और ईएमसी पे शॉर्टिंग अक्सर होती है। तो अब हमने यहाँ पर डीसी मशीन लगा लिया है, 5 एम्पीयर का डीसी मशीन ही यूज़ करना है। और अब मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, देखेगा आप। सो जैसे ही मैंने इसको किया, मेरा ये करंट ले रहा है, पर अभी यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि थिनर यहाँ पर ले रहा है। तो दोस्तों अब हम इसको अपोजिट साइड देखते हैं, हमारा यहाँ पर पावर सेक्शन क्लियर है। अभी ना हमारे को यहाँ पर कुछ ऐसा लगा कि यहाँ देखिए अभी भी थिनर वही का वही है, सारे कंपोनेंट में कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा जहाँ थिनर आपको सूख रहा है, और यहाँ पर भी ऐसा कुछ कहीं नहीं लगा कि थिनर सूख रहा है बोर्ड में। और अब हम यूज़ करते हैं, अब हम पीछे जाते हैं और अपने पीछे जाके हम अपने रिंगर आईसी को चेक करते हैं। रिंगर आईसी भी लीकेज होती है क्योंकि उसमें भी मेन आपके बीबैट और बीपीएच का करंट होता है। सो अब हमने यहाँ पर रिंगर आईसी पर लगाया और अब हमने देखिए यहाँ पे हमने करंट दिया हुआ है, ये रेड हमने लगाया है। और यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर भी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है जिससे हमको ये फॉल्ट पता चले कि ये यहाँ का कोई प्रॉब्लम है। तो हम आगे बढ़ेंगे और अब हम अपने लाइट सेक्शन को चेक करते हैं। दोस्तों लाइट सेक्शन में जैसे हमने यहाँ पर थिनर लगाया, आप देखिएगा अगर हमें यहाँ पर कुछ दिखता है। और तो आप जैसे आप देखिए आप नोटिस कर रहे होंगे यहाँ पे ये जो कैपेसिटर है ये पूरा थिनर इसने सोख लिया है। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप। आप देखिए अब मैं इस कैपेसिटर पे वापस थिनर लगाऊंगा। इस कैपेसिटर देखिए, अब इस कैपेसिटर को ध्यान से देखिएगा। ये देखिए इस कैपेसिटर में पूरे कंपोनेंट में से भी ये कैपेसिटर एक ऐसा है जिसने यहाँ पे थिनर को पूरा सोख लिया है। तो चलिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ पे 2 मेथड यूज करने वाला हूँ। तो दूसरी जो मेथड है अब वो रोजिंग मेथड है, तो हम इसको रोजिंग मेथड यूज करते हैं। तो रोजिंग मेथड यूज करने के लिए पहले हमें पीसीबी को क्लीन करना होगा। उस पर हम थिनर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल सूखा हमें पीसीबी चाहिए यहाँ पर। सो देखिए यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है ये बिल्कुल सूखा है, अब इस पर हम रोजिंग यूज कर रहे हैं दोस्तों। ये कैमरा वर्किंग है ना, देखो। तो अब हम यहाँ पे रोजिन यूज करेंगे। देखिए जितना हमें एरिया में, हमें बहुत ज्यादा एरिया यूज नहीं करना जब हमें पता है कि हालांकि मुझे पता है कि कहाँ पर ये शॉर्टिंग आ रही है, तो मैं बहुत ज्यादा एरिया में अपना रोजिंग यूज नहीं करूंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने थोड़ा सा अप्लाई कर लिया है और मेरे लिए इतना काफी है। सो अब मैं इसी कैपेसिटर को थोड़ा सा और चेक करता हूँ। तो ये जो पहली टेक्निक थी, ये जो टेक्निक थी ये थी आपकी थिनर के साथ में। अब जो दूसरी टेक्निक हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं वो रोजिंग के साथ में। बहुत से लोग कमेंट कर रहे होंगे कि सर ये वीडियो तो ऑलरेडी डले है। तो अब जैसे कि मैंने बोला कि वीडियो में कुछ ना कुछ यूनिक रहता है, जैसे मैंने इस पीसीबी में पीसीबी की डिटेलिंग दी है और इसके साथ में आपको यहाँ पे मैं थोड़ा लाइट आईसी का भी डिटेलिंग दूंगा। सो देखेंगे, अब हमने यहाँ पर प्लस लगा लिया है और अब हम इसको माइनस पर टच करेंगे। आप देखिएगा वो कैपेसिटर, तो जैसे ही मैं इसको टच कर रहा हूँ तो देखिएगा वो कैपेसिटर अपनी ओर जो रोजिंग लगा था वो मेल्ट हो गया है। और बाकी मैंने कहीं और रोजिंग लगाया क्योंकि थिनर में अप्लाई कर चुका था। हालांकि आप बहुत से लोगों के सवाल ये होते हैं कि सर रोजिंग अच्छा होता है कि थिनर से करना चाहिए कि 4 वोल्ट की बैटरी से करना चाहिए कि फ्रीजी स्प्रे से करना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि फ्रीजी स्प्रे तो बिल्कुल भी ना परचेस करें, वो बिल्कुल वेस्ट है। और 4 वोल्ट की बैटरी ना यूज़ करें क्योंकि वो जो प्रॉपर वोल्टेज हम अगर सेकेंडरी लाइन पे हमें देना है तो 4 वोल्ट हम बिल्कुल नहीं देना चाहिए। वो बिल्कुल एक नॉलेज के साथ बिल्कुल शॉर्ट किलर जैसा हो जाता है कि हर जगह पे शॉर्ट किलर नहीं टच करना है, और शॉर्ट किलर के भी कितना वोल्टेज हमें रखना है, क्या एम्पियर हम यूज़ कर सकते हैं। सो इसलिए थिनर और रोजिंग में अगर हम बेस्ट करें तो दोनों ही बेस्ट हैं। तो अब हम ये जो लाइन है दोस्तों, मैं इसको आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ये मेन आपका
6 लेग का सर्किट है लाइट आईसी का, इसके साथ में ये सीरीज में डायोड और एक बूस्ट कॉइल लगा है। ये इसका इनपुट बी बैट का कैपेसिटर है और इसमें ये इनपुट में एक कॉइल लगी हुई है। इस जो 6 लेग का सर्किट है वो जो आम 6 लेग के सर्किट के आता है वो से थोड़ा अलग है। ये MI में जो सर्किट या जो कॉलकम में जो सर्किट देते हैं 6 लेग में, उसमें जो ग्राउंड होता है वो अक्सर तीसरे पॉइंट पे ना होके वो अक्सर दूसरे पॉइंट पे ना होके वो तीसरे पॉइंट पे रहता है, और इसका सर्किट भी अलग है। और इसी तरह से हम अपने क्लास में ऐसे ही अलग अलग सर्किट को भी हम एक्सप्लेन करते हैं, जितना भी डिस्प्ले सेक्शन हो गया, चार्जिंग सेक्शन हो गया, या हर आपको रिंगर आईसी का सेक्शन हो गया, हम आपको पिन आउट का डिटेलिंग करते हैं और एक एक पिन के बारे में आपको बताते हैं कि कौन से पिन में क्या सप्लाइयाँ जा रही हैं और क्या सप्लाइयाँ आ रही हैं, और हम हर आईसी का GR भी अपने स्टूडेंट को नोट कराते हैं। तो अब हम एक कैपेसिटर को निकालते हैं और देखते हैं कि हमारा सेट ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और कैपेसिटर को निकालने के बाद में ये भी देखेंगे, क्योंकि ये मेन कैपेसिटर है, क्योंकि डायोड के माइनस के साथ लगा हुआ है। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ कि कैपेसिटर कहाँ के लिए निकालना चाहिए। देखो, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि सिर्फ पावर आईसी और लाइट सेक्शन से निकालना चाहिए। आज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कैपेसिटर आपके डायोड के जो माइनस का कैथोड के साथ में जब लगा देते हैं कैपेसिटर, और जब वो डायोड को सीरीज में लगा देते हैं, तो वो डायोड का जो AC से DC कन्वर्सन होता है, तो वो DC प्योर DC उसको कन्वर्ट करने के लिए, आगे भेजने के लिए एक फिल्ट्रेशन की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। और फिल्ट्रेशन करना है तो प्रॉपर एक कैपेसिटर लगाने की बहुत आवश्यकता है, और वो जो कैपेसिटर होता है वो मेन वोल्टेज कैपेसिटर कहते हैं। इसलिए कैपेसिटर थोड़ा सा हल्का सा बड़ा होता है और इसको मेन लाइट कैपेसिटर कहते हैं। अगर ये कैपेसिटर हम निकाल देते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि साइड में जो लाइट है वो नहीं आती है, तो या तो बहुत कम आती है या तो नहीं आती है। तो चलिए हम इस कैपेसिटर को निकालेंगे यहां पर और देखते हैं कि हमारी लाइट आती है और नहीं आती, तो हमें कैपेसिटर भी लगाएंगे यहां पर। कंपोनेंट को यूज़ करने के लिए जो आपको नोजल यूज़ करना है वो 6 और 8 mm का नोजल यूज़ करना है। मैं हालांकि थोड़ा सा बड़ा नोजल यूज़ कर रहा हूँ, और क्योंकि जब अगर आप फ्रेशर हैं तो बिल्कुल सही तरीके से प्रॉपर अनुमानित काम कीजिए। आप देख रहे होंगे मेरा आधा नोजल बिल्कुल मैंने बाहर रखा हुआ है और आधा नोजल मैंने यहाँ रखा हुआ है। अक्सर लोग ऐसे करते हैं, और बहुत ज़्यादा इस तरह से हिलाने की भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। थोड़ा सा, क्योंकि मैंने एक हाई टेम्परेचर पर मैं इसको निकाल रहा हूँ, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, तो ये मेरा कैपेसिटर आसानी से इजीली निकल गया है। और अब इस कैपेसिटर को मैं कर देता हूँ साइड, और अब मैं आपको सेम फिर से अपनी PCB पर एक बार वोल्टेज चेक करा देता हूँ, और एक बार मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि मेरा सेट ऑन हुआ कि नहीं हुआ। और यहाँ पर जो हमें रीडिंग आ रही थी वो रीडिंग भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि कैपेसिटर निकाल लिया है, और अब हम DC मशीन को लगाते हैं। आप देखिएगा DC मशीन यहाँ पर हमने मैं आपको दिखाता हूँ, 4 वोल्टेज और 5 एम्पीयर पर सेट है। अभी हमने इसको ऑन ऑफ बटन दबाया। अब देखिए, अब यहाँ पे आप इसको देख रहे होंगे, मैं इसको ऊपर करके दिखा देता हूँ, आपको दिख रहा होगा। सो मैंने यहाँ पर प्लस लगाया। पहले आपने देखा होगा कि ये 18 और 20 का एम्पियर ले रहा था, 0.18 0.20 एम्पियर पर जा रहा था। अब देखिएगा, सो मैं इसको फिर से दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने प्लस लगाया, और ये देखिए, अब आप जैसे कि देख रहे हैं कि कुछ भी एम्पियर नहीं ले रहा है। देखिए देखिए, ये मैंने इसको टच कर रहा हूँ और ये कुछ भी एम्पियर नहीं ले रहा। अब देखिए, मैं पावर की दबाता हूँ और देखता हूँ, ये देखिए अभी मेरा सेट भी ऑन हो रहा है। आप देख रहे हैं प्रॉपर तरीके से ऑन हो रहा है, पर अभी हम डिस्प्ले लगा के चेक करते हैं कि हमारा सेट ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक बार मैं मल्टीमीटर से भी दिखा देता हूँ इसको। तो मल्टीमीटर में यहाँ पर मैंने इसको डायोड रेंज पे सेट किया हुआ है। आप जैसे कि डायोड रेंज देख रहे होंगे, अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं फ्लुक के मल्टीमीटर की एक बार आपको एक प्रॉपर वीडियो बना के दे दूंगा। अगर आप मुझे कमेंट पर बताइए दोस्तों, जितना हो सकता है उतना सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको पढ़ने आना है तो नीचे दिए नंबर पर कॉल कीजिए। तो सबसे पहले मैंने कोल्ड टेस्टिंग की BBAT पर, तो मुझे जो रीडिंग मिली वो एक्चुअल 336 मिली, और जितना मुझे मिलना चाहिए था। और अब मैं वापस इसको रिवर्स मोड में कर रहा हूँ। सो देखिए, रिवर्स मोड में हालांकि रीडिंग भरी हुई है। सो यहाँ पर लीकेज तो है, क्योंकि कई बार दोस्तों ये होता है कि MI के सेटों में दोनों रीडिंग आती है, पर यहाँ पर ये मैं इसको लीकेज इसलिए नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर अभी हमको कोई भी करंट का फ्लक्चुएशन यहाँ पर नहीं हुआ है। अब मैं इसको डिस्प्ले में लगाता हूँ, देखिएगा यहाँ पर, यहाँ दिखाइए जरा। तो देखिएगा, मैं आपको डिस्प्ले में लगाता हूँ इस सेट को।
देखिए ये प्रॉपर यहाँ पर डिस्प्ले लग गया है, और आप नोटिस कीजिएगा यहाँ पर जूम करो। अब मैं इसको पावर की कर रहा हूँ दोस्तों, देखिएगा तो देखिए पावर की हो गई है और यहाँ पे MI का लोगो आ चुका है। थोड़ा सा और पास लेके आओ, देखिएगा आप MI का लोगो आ, देखिए आपको MI का लोगो ये जो दिख रहा होगा, क्योंकि इसमें लाइट नहीं आ रही है, और ये रीज़न इसलिए है कि हमारा सेट यहाँ पे ऑन हो गया है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, थोड़ा ऐसे हो जाओ और ऐसे ऐसे लेके मेरे को दिखाओ यहाँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर ये जो लाइट का सेक्शन है, यहाँ पे जो मेन कैपेसिटर है वो नहीं है। जो ये कर क्या रहा है, ये बूस्ट कॉइल को फिल्ट्रेशन फिल्टर कर रहा है, ये बूस्ट कॉइल की जो फ्रिक्वेंसी है उसके जो वोल्टेज को फिल्टर कर रहा है। और अगर ये कैपेसिटर नहीं होगा तो जो आउटपुट में जो वोल्टेज बनना है IC से, जो फ्रिक्वेंसी बना के जो IC वोल्टेज देती है, जो 12 वोल्टेज से वो 40-50 वोल्टेज तक देती है, वो वोल्टेज नहीं मिल रहा है। और यही रीजन है कि हमें फोन तो हमारा ऑन हो गया है पर लाइट नहीं आ रही है। तो इसके लिए हम एक दूसरे सेट से अपना कैपेसिटर निकालते हैं। तो देखिए मैं एक दूसरे सेट से, एक मेरे पास सेम दूसरा सेट रखा हुआ है, मैं यहां से एक कैपेसिटर यहां से मैं निकालता हूं, और ये कैपेसिटर हम यूज करेंगे हमारे लाइट सेक्शन में। तो देखिए हमने कैपेसिटर निकाल लिया है, अब हम अपना PCB लेंगे और यहाँ पर अपना कैपेसिटर लगा देंगे। अगर आपको कैपेसिटर चेक करने, अगर आपको कंपोनेंट या आपको सर्किट का नॉलेज नहीं है तो आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। 8 से 8 पूरा 12 घंटे की हम यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं पूरा। आपको यहाँ पर 5 से 8 घंटे का सिर्फ रोज की रोज प्रैक्टिकल आपको क्लासे यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जिसमें हम सर्किट का पूरा नॉलेज देते हैं दोस्तों। तो देखिए ये कैपेसिटर मेरा लग गया है। अब एक बार मैं फिर से यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि मेरा जो लीकेज है वो वापस वैसा वापस तो नहीं आ गया है। तो मैं यहाँ पर PCB यहाँ से करके आपको दिखाता हूँ। थोड़ा PCB हम ठंडा होने देते हैं। सो अब मैंने यहाँ पर लगाया और मैं इसको देख रहा हूँ कि मेरा लीकेज वापस तो नहीं आया है। कैपेसिटर मैंने यहाँ पर लगा दिया दोस्तों। तो जो लाइट सेक्शन का जो मेन कैपेसिटर होता है वो सिर्फ लाइट सेक्शन से ही लगना चाहिए। अगर आपका सेम PCB नहीं है तो आप किसी भी दूसरी PCB से लाइट सेक्शन का जो मेन कैपेसिटर है वो आप पहचानिए और उसको निकालिए। तो अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ और देखता हूँ कि, तो देखिएगा ये मेरा बहुत ज़्यादा एम्पीयर ले रहा है। मतलब ये जो कैपेसिटर मैंने निकाला है बोर्ड से वो भी मेरा ख़राब कैपेसिटर है। तो मैं ये कैपेसिटर चेंज करूँगा फिर से और दूसरा कैपेसिटर एक लगाऊंगा। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे कैपेसिटर निकाला है वो ख़राब निकल गया, और ऐसे ही होता है। इसलिए हमारे पास में दूसरे तीसरे बोर्ड होना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मैं एक कैपेसिटर और निकाल लेता हूँ। और ये वाला कैपेसिटर लगा के चेक करते हैं एक बार, बिना कैपेसिटर के हम बोर्ड भी चेक करेंगे। ये देखिए अब ये वाला कैपेसिटर हम लगाएंगे इसमें, पर इससे पहले एक बार हम बोर्ड चेक कर लेते हैं अपना। हाँ बोर्ड हमारा बिल्कुल सही है, फॉल्ट वो कैपेसिटर में था। ये बिल्कुल आपके सामने प्रैक्टिकल है, इसीलिए यहाँ पर ये चीज़ हो रही है। वीडियो में अनकट बिल्कुल कुछ भी नहीं किया गया है।
अब ये कैपेसिटर में यूज़ करता हूँ दोस्तों, अगर आपका टिप्स है ना बिल्कुल सरफेस पे आ जाए और उसमें कुछ भी आपको ऊपर जो सोल्डिंग नहीं है वो नहीं दिखे, तो उसको किस तरह से सोल्डिंग बनाएं ये मैं आपको बताऊंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तो देखते रहिएगा, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्लेन टिप्स पर किस तरह से टिप्स बनाना है ये भी मैं आपको बताऊँगा। चलिए अब हम वो कैपेसिटर बिठा रहे हैं दोस्तों, तो देखिए कैपेसिटर बैठ चुका है भैया, तो पीछे देखिए कैपेसिटर बैठ चुका है, अब हम फिर से अपने बोर्ड को चेक करेंगे। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहले हम अपने बोर्ड को चेक कर लेते हैं, जैसे हमने बोर्ड को पहले चेक किया था तो हमें यहाँ पर एम्पियर नहीं शो होना चाहिए, अगर उसके बाद में अगर नहीं हुआ तो फिर हम चेक करेंगे कि हमारी लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है। हमने अपना मेन कैपेसिटर चेंज किया है, तो देखिए हमारा ये कैपेसिटर हमें सही दिख रहा है, आप जैसे कि देख रहे होंगे कैपेसिटर लगाने का यहाँ पर कोई भी एम्पियर नहीं आ रहा। तो चलिए इसको बोर्ड में लगाते हैं और चेक करते हैं कि हमारी लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बार बार भीख मांग रही है सर। दोस्तों आपके लाइक का प्यार, आपके लाइक और सब्सक्राइब के भूखे हैं बस दुनिया वाले। ये मैं एडिट कर दूंगा, टेंशन ना। आपकी मोहब्बत चाहिए बस। तो पीसीबी को हम लगा देते हैं और पीसीबी को झट से ऑन करते हैं। इसके बाद मैं आपको एक चार्जिंग सेक्शन का एक डायग्राम के साथ में वीडियो आपको दूंगा। हालांकि प्रॉपर सोल्यूशन आपको कहाँ मिलेगा, जब तक आप सामने आएंगे नहीं इंस्टीट्यूट में तब तक आपको प्रॉपर सोल्यूशन मिलेगा नहीं। सिर्फ खाली यूट्यूब से सीख नहीं सकते दोस्तों, यूट्यूब से भी एक अपडेट करता है। तो ये मैंने माइनस पर माइनस और प्लस पर प्लस लगा दिया है, अब आप देख रहे होंगे थोड़ा सा पास में आइए, और यहाँ पे मैंने पावर की को दबाया। देखिए दोस्तों यहाँ पे एमआई का लोगो आ गया है, लाइट आ चुकी है, और इसी तरीके देखिए थोड़ा वो एक्चुअली निकल गया ये, तो फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हमारा सेट प्रॉपर ऑन भी हो चुका है, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पर एमआई का लोगो आ चुका है, और पहले हमारा प्रॉब्लम थी ये डेड सेट हमारे पास आया था, फिर दूसरा इस सेट में हाफ स्लॉटिंग थी तो हमने पहले इसकी हाफ स्लॉटिंग निकाली, फिर इस सेट में लाइट चली गई थी तो हमने इस सेट को लाइट हमने इसका बनाया, हमने एक आपके सामने एक कैपेसिटर चेंज किया तो उससे हमारा शॉर्टिंग बढ़ गया, फिर हमने दूसरा कैपेसिटर चेक किया चेंज किया तो फिर हमारा जो लाइट है वो वापस आ गया। ये देखिए यहाँ पर एंड्रॉयड का लोगो दिखाई दे रहा होगा आपको, सो यहाँ पर एंड्रॉयड का लोगो आ गया है। बने रहिए चैनल पर, इसी तरह बने रहिए चैनल पे, और लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2020। थैंक यू वेरी मच। तो हम बात करते हैं, हमारी सॉफ्टवेयर की क्लास सीपीयू वाइज खत्म हो चुकी है, अब बची है फाइल वाइज, तो मैं बात करता हूं। तो आईफोन की फ्लैशिंग कर लेंगे।
मीरा टेकी यस सर, कॉलकॉम यस सर, एमआई यस सर, सैमसंग यस सर, एसपीडी यस सर, ठीक है वेरी गुड। अब दो टूल होते हैं, आईट्यून होता है और थ्री यूट्यून होता है। आईट्यून और थ्री यूट्यून, आप पहले से काम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? नहीं सर, मैं फ्रेशर हूँ सब। अब भाई ये बताइए, आप कितनी इजी लगी आईफोन की फ्लैशिंग? बहुत इजी लगा सर। अब आप कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? अब आप छोटा सा ये बता दो कि आपने ऐसे टेलीकॉम ज्वाइन करके आप कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। मतलब सही चूज किया कि? सही चूज किया, मैं कह रहा हूँ सही चूज किया। चलिए अब मैं, मीडियाटेक की फ्लैशिंग किस मोड में होती है? फ्लैश मोड से। तो मीडियाटेक की फ्लैशिंग सभी कर लेंगे? कितने लोग कर लेंगे? जो यहाँ आकर नहीं सीख पाया वो कहीं नहीं सीख पाया। अच्छा, बस यही। और क्या कहना चाहेंगे, क्यों आए इनसे टेलीको? क्योंकि सर यहाँ जो जो ट्रिक दी जाती है वो, मतलब जैसे नहीं कहते हैं किसी को पिला दिया जाए, उस एंगल से आप लोग बताते हैं कि मतलब उसको तो दिमाग में एकदम बैठ जाता है। जैसे किसी को रख दिया समय बोझा तो सर उस पड़ा रहेगा, उसको उतरने वाला नहीं है ना, ये डिलीट होगा यहाँ से। अब दिल से बोल रहे हैं क्या सर? मैं दिल से बोल रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं बोलता हूँ, मतलब झूठ नहीं बोलते हैं। आईडी नहीं, सही बात है, झूठ नहीं बोलते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो झूठ बोलते ही नहीं, और हमारे डाउट कितने डाउट है सब सब क्लियर हो गए। क्लियर हो गए, चलिए ठीक है। किसी और को देने की जरूरत है क्या? नहीं सर, नहीं नहीं, बिल्कुल कॉप भी नहीं। ऑनलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से आप कर सकते हो, सीपीयू पे काम कर सकते हो, सीपीयू उठाकर रिमोट कर सकते हैं, पेस्टेड वाला भी। जी सर बिल्कुल, अभी भी है मेरे पास, अभी ये बोर्ड है सर। अच्छा ये वाला बोर्ड है, क्या काम किया इसको थोड़ा दिखाइए। एमसी निकला, ये वाला एमसी, ये पेस्टेड है सर, पेस्टेड। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्लैक पेस्टेड, यहाँ पे एमसी निकाला है इन्होंने। और अभी अच्छा दोस्तों, ये कह रहे हैं कि जो इन्होंने यहाँ पर आने के पहले जो अपनी एडवांस बुकिंग यहाँ पे करवाई थी, तो वो एडवांस बुकिंग में इनको डाउट हो रहा था कि मैं यहाँ पर सीख पाऊंगा कि नहीं सीख पाऊंगा। अभी डाउट कैसा क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर? यहाँ पे मेरे साथ में दूसरी क्लास चल रही है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की, उसमें कितने स्टूडेंट है करीब? तकरीबन कितने हैं? 40। कितने स्टूडेंट है सर? 40। 40 स्टूडेंट है। आप एक बार करें, आप मुझे एक बार बताओ कि आप उनसे मिलते भी हो क्योंकि एक ही हॉस्टल में रहते हो सर? तो आप लोग ने आते साथ ही उनसे पूछा होगा क्या फीडबैक रहा उन 40 सर? फीडबैक एक नंबर का था सर, कि मतलब बता रहे थे कि सर पढ़ाने का जो तौर तरीका है सर, एक नंबर का, मतलब बताते हैं जो हमारे दिमाग में ना फीड हो जाता है सर, उसमें मत कोई भी डाउट नहीं रहता कि अब इसको दोबारा बताने की जरूरत है, और उसके बाद अगले दिन हम उस पर काम करने लगते हैं। तो दोस्तों ये मैं आपसे यूएमसी वालों से पूछ रहा हूँ, अपने हार्डवेयर वालों का फीडबैक, जो कि बहुत एक कमाल की बात है। सर बताइए, आप दुकान पे काम कर रहे थे अपना, कब से काम है आपको, कितना एक्सपीरियंस है? 5 साल से। आपको अब क्यों लगा कि मुझे एक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहिए एज अ शॉपकीपर, एज अ टेक्नीशियन? मुझे जहाँ मैं फंसता था, मुझे लगता था मुझमें बहुत कमी है, लेकिन यहाँ आने पर लगा कि सारी कमी अब दूर हो चुकी है। अब मुझे ऐसा लगे एमसी करने के बाद, मुझे ऐसा लगा मेरा कुछ और मुझे एक्स्ट्रा नॉलेज मिल सकता है हार्डवेयर से, जो कि मैंने हार्डवेयर के लिए अप्रैल के लिए क्लास ज्वाइन किया। मतलब आपने, दोस्तों मैं बता दूं, इन्होंने हमारी हार्डवेयर की अप्रैल की क्लास को पहले से बुक करा के रखा हुआ है सर, जो कि मार्च में मेरे कुछ फ्रेंड ने करवाया, मार्च में। हाँ। मार्च में सीट खुलने का मेरा नहीं हो पाया, इनको अप्रैल में मिला हुआ है। और तो आपने इजी टेलीकॉम को चुना, यहाँ आए पहले दिन और अब के में कितना अंतर है, क्या आप सेटिस्फाई हैं यहाँ आकर, ये बता दो। मैं तो बिल्कुल बिल्कुल सेटिस्फाई है यहाँ पर। तो पहले दिन और अब, अभी आप बाजू वाले को काम दोगे कि नहीं दोगे? क्या बोल, बाजू वाला मेरे पास आके अभी करेगा? अच्छा, आपने वीडियो तो बहुत सारे देख रहे होगे, तो हमारी भी चीज में क्या अच्छी लगी आपको, मतलब कि आपने हमको ज्वाइन किया सर? आप लोगों का मतलब पढ़ाने का शैली वो सब अलग शुरू से, और सर, अगर हम किसी से पूछते हैं कि कौन सा टेलीकॉम बेस्ट है तो वो सब बोलते हैं सब एशियन टेलीकॉम बोलते हैं। अच्छा, तो दोस्तों जैसे कि आपने सुना, इन्होंने कहा कि सब ये पूछते, इन्होंने रिव्यू भी किए लोगों से, अब वो ये बोलते हैं कि एशियन टेलीकॉम बेस्ट है, इसलिए आप यहाँ आए। वहाँ से सेट में अटक जाता था, अगर मेरे पास पूरा सेट बन के नहीं जाता था, रिटर्न हो जाता था कस्टमर, तो फिर मैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर करने के लिए एशियन टेलीकॉम आया था 28 अगस्त की बैच में। एक महीना पूरा पढ़े आपने? पूरा पढ़ा सर, उसके बाद मैं तो घर में जाके बहुत से सेट बनने, पूरा पूरा सेट बनने लगा लगभग, और कुछ कुछ सेट अटका जो एमएनसी से प्रॉब्लम था, और वो सेट मैं, क्योंकि डेड मोबाइल है आपके पास में, जेटेक नहीं, यूएफआई नहीं है, अभी आप कितनी एसी को रिवॉल्व चेंज करोगे, क्योंकि आपको एमएनसी चेक करने के लिए तो ये बॉक्स चाहिए ना? हाँ सर, तो मेरा तो यूएफआई जेटेक में कोई नॉलेज ही नहीं था, मेरे पास बॉक्स भी नहीं था, आईएसपी और ये ऑनलाइन वाले सेट भी नहीं कर पा रहे होंगे। बिल्कुल सर, तो फिर मैं सोचा कि मैं इस चीज में अटक रहा हूँ, मतलब बेस्ट मेरे एशिया टेलीकॉम से मिला है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में, तो फिर बेस्ट मेरे को लगा कि एमएनसी में यही से करूँ, एशिया टेलीकॉम से। अच्छा, तुम्हें
कब से काम कर रहे हैं सर? मेरा कॉन्फिडेंस हो गया, 6 साल से कर रहा हूँ सर, लेकिन मैं 4 साल से चीफ लेवल का काम करने के लिए कोशिश कर रहा था सर, लेकिन नहीं हो पा रहा था सर। मतलब आप समझ गए कि ये काम को सीखने के लिए कहीं ना कहीं ट्रेनिंग लेनी जरूरी है सर। जी सर, क्योंकि अकेले से सर्टिफाइड नहीं हो पा रहा था। सर्टिफाइड नहीं है क्योंकि आप YouTube से देखकर कितना सीख सकते हो सर? YouTube से तो सर छोटा छोटा कर सकते हैं, लेकिन अपडेट हो सकते हैं, अपडेट हो सकते हैं, कुछ चीजों का पता लग सकता है, पर सर प्रैक्टिकली नॉलेज तो जाकर पता चलता है। तो ये चीज आप बताओ, आज और पहले दिन में कितना अंतर है? सर बहुत अंतर है सर, अभी तो मैं कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि मैं 100% कर रहा हूँ। सो पहले दिन और आपके मैं आपको वाकई में जो आपने सोचा था कि मैं उड़ीसा से इसे टेलीकॉम आऊँ और यहाँ सीखूँ, तो आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पे? जो यहाँ पे आपने इसे टेलीकॉम की टी शर्ट पहनी है वो दिल से पहनी है कि नहीं पहनी है? पहनी है। ठीक है, पहले क्या था सर, इसमें कोई फोन बनाया शॉर्टिंग तो बना लेता है, अब शॉर्टिंग क्या होता है कि मैंने मतलब कंपोनेंट खराब हो तो मैं पावर ऐसे निकाले सब कुछ और निकाल इंडिया का नंबर 1 शूट कर रहे आप भी लगा कि प्रॉपर में आप। थैंक यू सो मच भाई, एक बार ताली बजा दो इन्होंने। परफॉर्म करना बहुत एक बड़ी बात होती है, कैसा लगा आपको यहाँ? तो भी मेरे को 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप भी यहाँ पे आके ऐसा लगा कि वो सारा 6 साल का एक्सपीरियंस जीरो है। जीरो है, तो मतलब वही सारी चीज जब आपने यहाँ पे सीखी, तो आप अगर यही चीज 6 साल पहले सीख लेते हो तो क्या होता? तो बहुत कुछ हो जाता सर यहाँ पर, मतलब कुछ अलग लेवल में बैठे रहते थे, अलग लेवल में बैठे रहते हैं। कि आप लंदन से यहाँ कैसे डायरेक्ट इंडिया में, वो भी जबलपुर में, बताइए। मेरे को वहाँ पे कोई इतना 1 महीने में कोई मिलना है, मेरे को 1.5 महीने का छुट्टी है, तो ये वही सब आप बाबा चले जाएंगे, चले जाएंगे, तो फिर मेरे को 1 महीने के अंदर आपको ही नहीं सिखाने वाला है, तो यहाँ एशिया टेलीकॉम सिखा रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं कि हम आपको पैसे दे रहे हो? नहीं सर, पैसे वाली बात नहीं है, लेकिन ये दुकानदारी होगी सर, 10 साल हो गए मेरे को भी, अब जब कहीं मेरे पास कुछ भी नहीं आता था बनाना, लाइट सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन, मैं देखते ही रहता था, वैसे ही अपना काम दूसरे मोबाइल वालों के पास लेके जाता था काम कराने के लिए, वहाँ पे भी टाइम लगता था, आप दूसरे की दुकान पे टाइम लगाने के अच्छे आप यहाँ भी आके टाइम 1 महीना आप लगाओगे तो आप अपनी लाइफ में कामयाब हो जाओ। सर जैसा सोचता था उससे भी बढ़कर मिला यहाँ पर आने पर, अच्छा अच्छा सिखाया गया यहाँ पर, जो वीडियो देखते थे उससे भी अच्छा सिखाया गया है। तो ऐसा तो नहीं कि आपने जो रिव्यू देखा वो फेक हो? नहीं नहीं, 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 ये तो नहीं। दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो इंडिया नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच। बच्चों लोग से आप जब सवाल करते थे और जब वो बोलते थे तो ऐसा फील होता था कि वो दिल से बोल रहे हैं, ना कि फेक, वो ऐसा हो जाता है सर कि बच्चे लोग को देख के लग जाता है कि हाँ ये जेन्युइन है, जो भी लोग आउटपुट है, जो भी बोल रहे हो वो दिल से, तो वो सर टच हुआ सर। मतलब कि सीधी सी बात है, एक छोटी सी बात कहूंगा कि सर PCB जो होती है ना, हमारे मदरबोर्ड जो होता है मोबाइल का, उसको देखने का नजरिया चेंज है। हाँ बिल्कुल सीरियसली, इसको अब वो चीजें नहीं रही कि मतलब कि ऐसे बाय लक चल गया तो चल गया ना, वो चीज नहीं है, अब कंफर्म हम काम कर सकते हैं और जो फॉल्ट आएगा पर्टिकुलर सेक्शन पे वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल पर्टिकुलर सेक्शन पे है, पहले तो ऐसे मतलब कि सेक्शन कोई सेक्शन में प्रॉब्लम है और ढूंढ के ही रहे हैं। सही बात, पता नहीं चलता मतलब हमारे पास कोई डेड मोबाइल है तो हम यही सोचते थे कि क्या करें, कहां से शुरू करें, तरीका नहीं पता सर, वे नहीं पता था, अब रास्ता पता चल गया कि प्रॉपर वे क्या है। अभी किसी ने भी मतलब कि अगर अपना सॉरी मिरेकल वगैरह में जितने भी क्रेडिट चाहिए या उसको अपडेशन करानी है वो मेरे से भी करवा सकता है, और हमें तो सर्वर भी मिल गया, तो स्टेटस भी हो रहा था, फेसबुक भी आ रहा था, जो सर्किट बना रहा था अच्छा मोबाइल बना के लिए, वो टेक्नीशियन लोग तो उनको नए नए कोच भेजते थे कि यार कुछ तो हमको भी सपोर्ट कर दे, तो ऐसा लगता है हम सपोर्ट करेंगे उनको। आपने इवन नेपाल के स्टूडेंट के रिव्यू देखे होंगे, तो मैं यहाँ पे गए तो 2-3 स्टूडेंट थे, उनसे बात भी किया मैंने, कैसा है क्या है नॉलेज लिया मैंने, हाँ वो बोलते थे अच्छा है, हाँ जाओ तो सब कुछ बना लोगे, अच्छा दे रहे थे, तो लगता था एक हिसाब से हाँ वीडियो देख के नॉलेज ले। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? पहले के और अब के
आपके में कितना अंतर है? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। अभी डेट सेट कौन सा था आया तो सर रिपेयर करो, तो रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस, रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस। सो इसमें और ये भी है कि बिना कोई पैड निकाले, बिना कुछ किए हम उसको निकाल के आईसी को रिवॉल्व करके चेंज करके भी कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्या कर रहे हैं अभी आप? सर इसका ईएमएमसी और सीपीयू निकाल करके दोबारा लगाया, दोबारा लगा और मेरे को अच्छा लगा कि आया पर रिजल्ट मिल रहा है लोगों का, हर फीडबैक वीडियो में फॉलो करता था, हर चीज में देखता था। उसके बाद सर मैं यहाँ पर आया, मेरे को पता लगा जो इंस्ट्रूमेंट 6 महीने 7 महीने साल में सीखा पाते वो यहाँ 2 दिन की डेमो क्लास में मैंने सीख लिया। चैनल फॉलो कर ले, मतलब हम बोले सर ने हमें पैसे नहीं दिए हैं, बोले मेरा दिल बोल रहा है मतलब हाँ, क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा अटक चुके हैं, मतलब सभी भी बोलते हाँ हमें बोलना है कि हमें ये बोलना, नहीं जो हम बोल रहे हैं हम खुद का बोल रहे, कोई हमें प्रेशर नहीं है कि नहीं तुम्हें बोलना नहीं है, बोलना नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो मतलब हमें ऐसा फील हुआ, हमें लगा हमको भी काम कर सकते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि कोई अच्छा रहा है उसको सुना जाए, तो मैंने फिर रेडियो देखा और यहाँ पे आया तो फिर टेलीकॉम को सुना। तो आप सेटिस्फाइड हैं? सर 100% सेटिस्फाइड है, अब यहाँ से जाकर सर मैंने बिल्कुल काम कर सकता हूँ और आईफोन फॉलो कर सकता हूँ सर। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक अच्छा सा स्वाद आ सकता हूँ, उसमें मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ आगे चल के, मेरा हो सकता तो मैं अच्छा सा एक स्कूल बिल्कुल खोल सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले अपने ऊपर काम की व्यवस्था भी, तो मैं हर एक फॉलो को फॉलो कर सकता हूँ। यहाँ पे आने के बाद वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे कि मतलब कुछ है, हाँ कुछ कर सकते हैं अपन। हमारा भी पहला दिन था सर, हमने भी पूछा था, तो हमको भी लगा यार, तो हमको भी घुस नहीं सकते इसके अंदर। हाँ एक बार जैसे आप क्लास में हो गए आपको लग जाएगा जितना काम किया है वो कुछ नहीं था, और देखो मैंने अच्छा ये सर सुना, ये सर ये सारी चीज आपने फिर सुनी कल? हाँ सर, कल नए बच्चे जो आए थे। नहीं, नहीं, अच्छा मेरे को यहाँ पे सबसे बढ़िया ये लगा सर कि पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, स्टूडेंट के सामने मतलब ना पेन कॉपी कुछ नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल है सारे। सर मैं काफी दिन से आपकी वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं और मैंने और भी स्टूडेंट का रिव्यू लिया और मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले मैंने और सभी जो स्टूडेंट थे बाकी बैच के उनसे भी आपके बारे में पूछा, तो उन्होंने सबने बोला कि हाँ यहाँ पर बहुत बेस्ट सिखाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार भी हो गया और आया और मैंने देखा कि जो मैंने सोचा था उससे मुझे ज्यादा ही मिला। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला मैकेनिक नहीं होता है, जिसका वो अंदर का क्या उसका सप्लाई ट्रेसिंग उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो जो इधर आके सीखा जो इधर आके सीखना सीख सकता है। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? Monsoon 1001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. An ISO 9001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.